हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ये डी सम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, तो वहां हमने आपको बताया था कि डी सम फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेल में ये कैसे करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग हमें लेना है, ठीक है, और ये हेडिंग हम पूरा कॉपी करेंगे। तो यहां से ये कॉपी किया हमने और यहां पर ला करके रख देते हैं इस पूरे हेडिंग को, ठीक है। तो ये हेडिंग हमारे पास आ चुकी है। अब ये जो फॉर्मेट हमने लिया ना, ये फॉर्मेट पेंटर की मदद से एक ये जो है एक पूरा ये रोज है कॉपी कर लेंगे हम। तो ये फॉर्मेट पेंटर लिया और इसका फॉर्मेट पूरा कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। अब ये फॉर्मेट तो हो गया कॉपी। अब यहां पर क्या आपको पता करना है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे अमाउंट पता करना है, तो अमाउंट यहां पर रख लेता हूं, ठीक है, आप लिख सकते हैं हाथ से भी। यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पे इज इक्वल टू डी सम फंक्शन आपको यूज करना है और ये डी सम कर लिया हमने। यहां पर कह रहा है डेटाबेस, तो हमारा डेटाबेस यही तो है, पूरा डेटाबेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए, डबल एटेड कोर्ट्स में लिखना है आपको अमाउंट, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट की बात की जा रही है, कितना हो रहा है। और अब हमें क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, देखिए यही ना हमने लिया है, ये प्रोडक्ट यूनिट, ये पूरी की पूरी लाइन इस ब्लैंक वाली लाइन के साथ सेलेक्ट करते हुए चले जाइए, बस हो गया काम। अब ये डी सम फंक्शन बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देख सकते हैं ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर नंबर चाहे कोई भी आ रहा हो, यहां पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, भर केवल आप प्रोडक्ट का नाम डालिए। तो कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए मैं कीबोर्ड को ही ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से कॉपी किया कीबोर्ड को और यहां पे लाकर रख देते हैं। आप नाम भी हाथ से भी लिख सकते हैं, चलिए हाथ से ही लिख लेते हैं, यहां लिखा कीबोर्ड, ठीक है, और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो ये फिगर जो है चेंज हो गया। अब ये फिगर चेंज होने का क्या मतलब है, यहां 3094 लिखा हुआ आ रहा है, 3094, तो इसका मतलब ये है कि आपका जहां जहां कीबोर्ड होगा उन सबको टोटल करके ये दे चुका है। ऐसा ही एक फॉर्मूला सम इफ करके हम यूज करते थे, आपको याद है, कुछ डी सम भी लाइक वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस। अब यहां पे इज इक्वल टू करके जोड़ लेते हैं। अब देखिए कीबोर्ड यहां पे है ना, ये देखिए इसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं आगे, और फिर कीबोर्ड कहाँ है, ये देखिए ये कीबोर्ड है, 6 कीबोर्ड जो है यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, और फिर इस वाले कीबोर्ड को प्लस करके सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो अमाउंट आया हुआ है। अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये वही अमाउंट है जो कीबोर्ड के लिए आया हुआ है। अब मान लीजिए कि हमें कीबोर्ड का नहीं देखना, मान लीजिए माउस का देखना है, ठीक है, तो यहां से हटा दिया इसको कीबोर्ड को और यहां पे कर दिया मैंने MOUSE माउस, ठीक है, और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो कुल मिलाकर 1400 की माउस जो है यहाँ पे आ रही है। अब चेक कर लेते हैं कि 1400 का है भी कि नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे 960 रुपए का माउस है, ठीक है, और फिर कितने का है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर है 440 रुपए का, ठीक है, और ये हो गया, तो 960 और 440 यही हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के जोड़ के दिखा देता हूँ, ये हो गया, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 1400 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से डी सम फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी कि डी सम फॉर्मूला कैसे प्रयोग करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।